सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा अनिल कुंग पराइले उदक, ठाकुर को इशनान करो। बयालीस लाख जी जल में होते, बिठल पहला कायम करो। अनिल कुंग पराइले उदक, ठाकुर को इशनान करो। बयालीस लाख जी जल में होते, बिठल पहला कायम करो। जत्र जाऊं तत बिठल पहला, महा आनंद करे सद केला। रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला, ठाकुर की हो पूज करो। पहले बास लई है पवरें, बिठल पहला काए करो। आनी ले दूध रिदाई ले खीरम, ठाकुर को नैवेद करो। पहले दूध बिटारो बछरे, बिठल पहला काए करो। इबे बिठल उबे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। थान थरंतर नमा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। इबे बिठल उबे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। थान थरंतर नमा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सत्कारियो जुग जुग अटल गुरगति ते सुभाई मां, सर्व सांझी वालदा दे रह गुरु। नाम के जहाज हल्क पल्क दे रखे, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर। तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित हुए बैठे गुरु सवारे सतसंग जनों, आप वडपा हो अमृतमयी बाणी का रस बिना कीर्तन। गुरुमुख प्यारे भाई साहब भाई महेंद्र जीत सिंह जी दिल्ली वाले पासों, आप बड़े ही प्यार गुरु साहब सदन कर रहे सी। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के विचार के नाल सांझ पा गई। पावन बचना की विचार सांझ पाने तो पहला आप सब माई भाई मना गुरचरणा के जागृत करो, सुरतियों को गुर शब्द न जोड़ो, प्रभ की पुस्तक करो। संत भी सावधान ये कागज चीत के महावाक अनुसार मना सावधान करो, सुरतियों को गुर शब्द में एकाग्रत करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज में उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सत्कारयोग भगत नामदेव जी के पावन मुखारवण तो उच्चारण
आज के अमृतमय बचन आसा राग अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 485 ऊपर सुशोभित हैं। शब्द के आरंभ अंदर भगत नामदेव जी ने साडे जीवन से मेहरबानी की थी कि घड़ा लिया के उहदे विच मैं पानी भरिया, पानी भर के उहदे नाल मैं ठाकुर की मूर्ति का इशनान कराउंदा हां। जे मैं इशनान करावां तो यह इशनान ठाकुर के लिए सुचे पानी का नहीं हो सकता, क्योंकि पानी में लखां ही जीवों का वास है। सनातन के आम तौर पर कहा जाता है कि 42 लाख जीव जमीन पर ने, 42 लाख पानी च ने। भगत जी ने उन्हां दी उदाहरण वरत ली कि जे तुसी आखदे हो कि 42 लाख जीव पानी च ने तो पानी झूठा है, पर भगत जी आखदे ने जे मेरे वल देखो तो जेडे 42 लाख जीव पानी च वस रहे ने वह मेरा प्रभु ते वस रहे, वह तो पानी च इशनान कर ही रहे है, हुण मैं की करा। भगत नामदेव जी दे वचन, आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकुर को इशनान करो, 42 लाख जी जल में होते, बीठल पहला कायम करो। आनी ले कुंभ, कुंभ मैंने कड़ा कड़ा लेके आंदा, भराई ले उदक, उदक मैंने पानी उहदे च पानी भर लिया, ठाकुर को इशनान करो। इस शब्द में जिथे ठाकुर लफज आया उथे अर्थ है मूर्ति, ते जिथे बीठल लफज आया उथे अर्थ है कण कण विच विराजमान प्रभु। पानी का घड़ा जे भर के लियावां ठाकुर भाव मूर्ति का इशनान करावां, 42 लाख जीव जल में होते, 42 लाख जीव ते पानी च वास करदे ने, बीठल पहला पहला मैंने वस रहा है, जिथे प्रीतम बस ही रहा सी, जीवां दे रूप विच पानी च इशनान कर ही रहा सी, मैं उत्थों पानी लैके हुण एक मूर्ति का इशनान करावां, कायम करूं, प्रभु ते वस ही रहा सी उहनां जीवां दे विच। एक सिद्धांत जिहड़ा अज हुण पूरी दुनिया ते प्रचलित है, जदों इह सिद्धांत नहीं सी उस जमाने दे विच इस सिद्धांत नूं प्रगट करना बड़ी क्रांतिकारी गल सी, बड़ी अद्भुत गल सी। जिस गल नूं असीं अज आम समझदे हां भगतां दे जमाने विच, गुरु साहिब दे जमाने विच बड़ी अद्भुत सी उह गल की सी? उह गल सी कि प्रभु कण कण विच विराजमान है। अज तुसीं आम कहने हां उस जमाने की अद्भुत गल है। चलाक किस्म के लोगों ने रब नूं आम मनुख तो दूर रखिया सी, जां कह लैंदे मनुख नूं रब तो दूर रखिया सी। जे किसी जयसु ने चाहिया मैं रब नूं मिला, उन्हें कह दिता ते रब ते जंगल पहाड़ च रहिंदा, कोई तकड़ा जिगरा करके जंगलों च गया, पहाड़ों दीआं चोटियां ते चढ़िया, रब नहीं मिलिया, उन्हें फिर पूछ लिया कि रब ते मिलिया नहीं। फिर चलाक लोग कहन लगे नहीं उह ते पताल च वसदा है। जिग्यासी लोगों ने जमीन भी खोद ली, भोरे बना के बैठ के शायद इतने रब आ जाएगा, फिर भी नहीं मिले। चलाक लोगों ने मनुख को रब तो एड्डी दूर कर दिता भी उत्थे रब दसी जिथे मनुख पहुंच ना सके, ताकि असी भी सचे रहिए। वो चलाक लोग कहने लगे रब तेजी 7वें आसमान च रहिंदा, 11वें आसमान च रहिंदा, ते मनुख धरती ते बड़ा मुश्किल चलता है, 7वें 11वें आसमान किवें पहुंचेगा? भगत कबीर जी ने दो शब्द कहे गुरबाणी विच बड़े नालों नाल ने। एक शब्द विच उन्होंने इस्लाम मत के कुछ फिरकियां का जिक्र किया। इस्लाम मत के कुछ फिरकियां का एक सिद्धांत है, भगत कबीर जी ने किसी मुस्लिम वीर को पूछ लिया खुदा कित्थे रहिंदा है, वह आखदा खुदा तो बहिश्त विच रहिंदा है। अच्छा, बहिश्त कित्थे है? कहणगे फलाने आसमान दे विच, वक्री नगरी है बहिश्त, खुदा उत्थे रहिंदा है।
भगत कबीर कहेंगे अच्छा खुदा आसमाना च रहा इकला ही रहा दसन वाला कह लगा नहीं नहीं खुदा इकला नहीं रहा जिथे खुदा सिंहासन से बैठता है वो आले दुआले 7000 होर कुर्सियां लगिया ने उन्हें 7000 कुर्सियां से फरिश्ते बैठते हैं पूछा होर कौन है कह लगा उस खुदा के आले दुआले होर भी अनेक कुर्सियां लगिया हुई ने उन्हें कुर्सियां से 125,000 पैगंबर बैठते हैं भगत कबीर कहेंगे अच्छा होर कौन रहा उस दरिश्ते वह दसन वाला आखद कि 88 करोड़ जड़े दानशमंद आलम फाजल शेख लोग ने वह खुदा के आले दुआले घेरा पाई बैठे वह रहते 56 करोड़ वो खास दरबारी याद रखियो गिनती करोड़ों च है 88 करोड़ शेख बैठे ने 56 करोड़ खास दरबारी खुदा के आले दुआले घेरा पाई बैठे ने 33 करोड़ के सेवादारी पूरे कर दिए भगत कबीर हस पे कहने लगे जिस खुदा के दुआले हजारा फरिश्ते होण लखा पैगंबरां ने घेरा पाया होवे करोड़ा शेखा ने घेरा पाया होवे करोड़ा दरबारियां ने घेरा पाया होवे करोड़ा ही सेवादारां ने घेरा पाया होवे जिथे करोड़ा वड्डे वड्डे पीर पैगंबर औलिए खुदा नूं घेरा पाई बैठे होण उत्थे मैनू गरीब नूं खुदा दे नेड़े किन्ने लगण देणे मैं ते खुदा दे नेड़े फिर कदी भी नहीं जा सकदा लखां करोड़ां दा घेरा तोड़ के किवें खुदा दे नेड़े पहुंचांगा 70 सह सलार है जाके 70 मैंने 70 सह मैंने 100 70 100 मैंने 7000 सलार मैंने फरिश्ते जिस खुदा की बहिश्त विच 7000 फरिश्ते ने 70 सह सलार है जाके 125,000 पैगंबर ताके 125,000 पैगंबर ने घेरा पाया शेख जो कहीं है कोट 88 करोड़ शेखा ने घेरा पाया 56 करोड़ जाकर फिर 56 करोड़ जिसे खास मुसाहब आले दुआले बैठी हुई ने मो गरीब की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे वो सभा बड़ी दूर है वो दरबार बड़ा दूर है मैं गरीब धरती से बड़ी मुश्किल चलता हाँ पहला उस आसमान को खोजांगा आसमान को खोज के बहिष्ट लभांगा बहिष्ट लभ के करोड़ा ही शेखा सलारा फरिश्तियां पैगंबरां को कट के किवें खुदा दे नेड़े जावांगा कौन जान देगा मो गरीब की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे वो मजलस बड़ी दूर है कौन जाए उत्थे तक मैं तो भी सुने कि जिहड़ा मेरा वड्डा वडेरा सी बाबा आदम उन्हें पता नहीं अनाज खा लिया कि सेब खा लिया खुदा ने उन्हें बहिष्ट चो धक्के मार के जमीन ते सड़ दिता जिथे मेरे वड्डे वडेरे नूं थां नहीं मिली जिहड़ा पहला आदम मन्निया गया खुदा के घर बहिष्ट विच उन्हें भी जगह नहीं मिली मैं तो रोज अन्न खाना मैं रोज फल सब्जियां खाना मैनूं तो कदी भी खुदा अपने घर खा ना दे जिथे मेरे वड्डे वडेरे आदम नूं तके पए 33 करोड़ी है खेल खाना 84 लख फिर दीवाना बाबा आदम को किछ नदर दिखाई मैं ते सुनिया रब ने बाबे आदम नूं भी अखां कढ़ियां बाबा आदम को किछ नदर दिखाई उन भी पिछत कनेरी पाई सुनिया उन्हूं भी चंगा सुरग मिलिया जिथे मेरे वड्डे वडेरे आदम नूं तके पै गए मैं ते रोज अनाज खाण वाला रोज पाप करदा हाँ मैनू ते कदी खुदा दे करता नहीं मिलेगी ठीक इस तो अगला शब्द सनातन दे प्रति कीता सनातन वाले ने कह दिता रब जिहड़ा बैकुंठ विच रहिंदा है कहणगे कित्थे कहणगे आसमानां दे विच हर कोई कहिंदा मैं बैकुंठ जाणा है बैकुंठ जाणा है भगत कबीर नूं पुछो कहणगे जिन्ना चिर बैकुंठ दा लालच है ना लभ नहीं है सब कोई चलन कहत है ऊहां ना जानो बैकुंठ है कहां आप आप का मर्म ना जानना अपने आपे दा नहीं पता मैं कौन आ ते गल्लां करदा बैकुंठ दियां आप आप का मर्म ना जानना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास खाई कोट ना पर ना पगारा ना जानो बैकुंठ तो करना प्रभु नु दूर रखिया आम मनुख तो याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की व्याख्या समझनी हो
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਹੀਮ ਵੀ ਤੇ ਚਿਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਠਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤ ਸਵੀਏ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ, ਕਿਸੇ ਪੱਟ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਵੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬਿਠਾਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੈ ਸਵਾਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਈ ਸੋਹੀ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਵੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਵਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਨੇ ਕੁੱਲ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ,
हर रूप नजर ही आया रब दे के रूप है। गुरु रामदास पातशाह जी ने पूछो रब कितने है, वो आखते ने तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा, हर हृदय च प्रभु तू ही समाया, तेरे तो बिना दूसरा कोई नहीं है। जो मैं देखता सा की नजर आता सी कि कुछ लोग दाते बन के बैठे ने, कुछ नू रब ने मंगता बना दिता, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तेरे चोज ने, नहीं नहीं हुण समझ लगी कि तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू ही दाता है ते तू ही भुगता है, तेरे तो बिना मैं दूजे नू जानना ही नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू पुछो रब कित्थे है, वह आखते ने जय जय देखो तैं हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहा सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई। गुरु तेग बहादुर साहब जी पुछो रब कित्थे है, आखते ने काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलिपा तो ही संग समाई, तेरे च समाया हुआ है तेरे अंदर है, तेरी आत्मा तो वख नहीं परम आत्मा वख नहीं, वो आत्म राम है। गुरबाणी ने लफ्ज वरत्या आत्म राम, राम वाले रमिया होया, हर आत्म दे विच रमिया है। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी है, आत्म पसारा करने हारा प्रभ बिना नहीं जानिए, आत्म दा इत्थे पसारा है। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रिया भरपूरे, आत्म दे विच ही राम रमिया होया है, राम आत्म तो वख नहीं है। इस करके लफ्ज वरत दिता करता पुरख, करता मैंने बनाने वाला, पुरख मैंने विच्ची समा जाने वाला, लफ्ज वरत लिया भरपूर एक समान रमिया होया, लफ्ज वरत लिया राम रमिया होया, लफ्ज वरत लिया एक ओंकार वो एक है सारे विच। इस करके परमात्मा लफ्ज नहीं आया, हाँ परमात्म लफ्ज आया, परात्मा लफ्ज आया, ये लफ्ज आए। जिनी आत्म चीनिया जिन्हें अपनी आत्म को पछाण लिया ना, ये आत्म ही परमात्म है, वो वख नहीं साढ़े तो, जिन्हें आत्म चीनिया परमात्म सोई, यही परमात्म अपनी आत्म ही परमात्म है, ये निज ही परमात्म है। लफ्ज आया परात्मा, परात्मा मैंने पराई आत्मा दूसरे दी आत्मा, आत्मा परात्मा एक हो करे परमात्मा नहीं परात्मा, मेरी आत्मा ते प्राई आत्मा एक रब ही ते है, उदे तो बिना कौन, हुण दुबदा मुक गई मेर तेर दे वितकरे खत्म हो गए, आत्मा परात्मा एक हो करे अंतर की दुबदा अंतर मरे, आत्म परात्मा मैंने प्राई आत्मा मेरी आत्मा ते दूसरे दी आत्मा एक रब है। यही ते है अद्भुत कथा गुरु नानक दे घर दी, अचरज कथा महा अनूप, परात्मा पार ब्रह्म का रूप, परात्मा मैंने प्राई आत्मा दूसरे दी आत्मा रब का ही रूप है, रब तो बिना हुर है कौन। इस करके साडा संकल्प एक अकाल पुरख, जे रब ही है फिर कौन जन्मद है कौन मरद है, फिर न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करे, ओही अपने आप को फैला लैंदा जगत विच, ओही अपने आप को संकोच लैंदा है, जन्मा मरना दे इस सारे भरम मुक जांदे, फिर ओ अविनाशी विरसत नाही ना को आवे ना को जाही, गुर पूरे होमे मल धोई, मैं सोचदा सा मैं वखरा वा, गुरु ने हों कट दिती नी तू नहीं है, गुर पूरे होमे मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई। हुण अवस्था उची हो गई, उहदे तो बिना दूसरा है ही कोई नहीं, कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जग देखो तब तू, जिस दिन आपे नूं पछाण लिया उस दिन प्रभु नूं पछाण लिया। सरब नाल साथ भगत जी दे अगले बचन, जतर जाऊं तत भी ठिल पहला, महा आनंद करे सद केला राओ, जतर जाऊं मैंने जिथे भी जाना तत भी ठिल पहला, मेरा रब उत्थे ही वसदा है, हर जीव दे विच वस रहा है, हर थां ते वस रहा है, उसकी पूजा तो हो ही रही है, वह इशनान तो हो ही रहा है, उन्होंने भोग लगाया ही जा रहा है, कण कण दे विच उन्होंने पूजा ही जा रहा है। आनी ने फूल परोई ने माला, ठाकुर की हो पूज करो, पहले बास लई है भबरै,
बीठल पहला काय करो। जे मैं फुल ले आवां, फुलां दी माला परोलवां, अपने इस ठाकुर भगवान की मूर्ति दे अगे गल विच पा देवां, फुलां दी वरखा करां, उहदी पूजा करां, पहले वास रही है भवरे। ये फुल तो झूठे ने, क्योंकि भवरे ने तो वासना पहले ही ले ली, उहने तो सुगंधी माण ही लई, उहदे सुगंधी झूठी हो गई। हुण मूर्ति उत्ते झूठा ही फुल भेट कीता। बीठल पहला, पर रब ही तो वस रहा है भवरे च, वह तो सुगंधी लै ही रहा है। जे रब सुगंधी लै ही रहा है, फिर असी किवें दे सकते हैं। बीठल पहला काय करो, पहला मैंने वसदा सी जिहड़ा, जिहड़ा पहला ही भवरे च वस रहा सी, वह सुगंधी लै ही रहा है। आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकुर को नैवेद करो, पहले दूध बिटारियो बछड़े, बीठल पहला काय करो। आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, जे मैं दूध ले आवां, खीर रिन के मैं ठाकुर को नवेद करो, ठाकुर नूं भोग लवावां, मूर्ति नूं भोग लवावां, पहले दूध बिटारियो बछड़े, झूठे दूध का भोग लवावां, क्योंकि बछड़े ने ते पहला दूध झूठा झूठा कर दिता। ते झूठा भी क्यों कीता? बीठल पहला बछे राबी ते वसदा सी, उहने ते दूध का भोग ला ही लिया। जे राम रमिया ही होया है, फिर तो उस बच्चे विच भी रमिया है जिन्हें दुध नूं भोग लाया। पहले दूध बिटारियो बछड़े, बीठल पहला काय करो। जे ओह प्रभु ही वस रहा है, फिर किवें करां उहदी पूजा, किवें उहनूं भोग लवावां? रब ते भोग ला ही रहा है, हर जीव दे विच ओही ते वसिया होया। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। इत्थे भी रब है, उत्थे भी प्रभु है, उहदे तों बिना दूसरा है। प्रभु जीवन दे विच इन्ना वसिया होया, दो गुण ने रब दे, बड़े कीमती वड्डे गुण ने दो, और दो गुण ऐसे ने जे असीं समझ जाइए सानूं रब तों बिना दूसरा दिसे कोई ना। रब के दो बड़े वड्डे गुण ने, वह कहड़े ने? वड्डे मेरे साहबा गहर गंभीरा। एक गहर ते गंभीरा दो बहुत वड्डे गुण ने रब दे। हे मेरे वड्डे साहब, तेरे गुण बड़े महान ने। वड्डे मेरे साहबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवट चीरा। तेरे दो महान गुण गहर गंभीरा। गहर का मतलब डूंगा, डी प्रभु गहर किन्ने, डूंगा किन्ने? इस 6 फुटे शरीर च इन्ना डूंगा उतर गया, मनुख की पहुंच तो परे हो गया, लभदा ही नहीं। डीप किन्ने, गहरा इन्ना है, एक छोटी जिन्नी कीड़ी च इन्ना डूंगा उतर गया, मनुख की पकड़ तो परे हो गया, गहर इन्ना। ते गंभीर किन्ने? 5 आदमी खड़े होण, 4 आपस में गल्लां बातां करदे होण, ते पंजवां कितें चुप रह सकदा है? वह कोई ना कोई दखल अंदाजी कर ही दिंदा है, अपना विचार प्रगट कर ही दिंदा है, चुप नहीं रह सकता। पर प्रभु इन्ना गंभीर है, साडे कर्मां नूं देखदा है, साडियां गल्लां नूं सुणदा है, साडियां हरकतां देखदा है, पर साडे कर्मां दे विच अपनी दखल अंदाजी नहीं करदा। उहने सानूं कर्मां पक्खों सुतंत्र कर दिता, कर्मी आपो अपनी। कोई शुभ कर्म करे प्रभु दे नेड़े हो जाए, कोई अशुभ कर्म करे प्रभु तो दूर हो जाए, मनुख दे हाथ है। कर्मी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, कर्म अपने ने। गंभीर इन्हे मनुख दे कर्मां च दखल नहीं दिंदा, कर्मां पक्खों मनुख नूं सुतंत्र कर दिता, कर्म तेरे ने। गहर भी है, गंभीर भी है। हाँ, जदों कोई गुरु वाला बन के फिर अपने आपे की खोज करता है, बंदे खोज दिल हर रोज, उदो फिर गुरु एक ज्ञान दिता है, मन तो जोत स्वरूप है अपना गुरु पिछा। प्रभु जीवन दे विच प्रकाशित हुंदा है, जां प्रभु जीवन दे विच अनुभव है? की है प्रभु? जीवन दे विच प्रकाशित हुंदा है, प्रकाशमान हुंदा है जीवन विच, जां प्रभु साडे जीवन का अनुभव है? की है दोहां विचों? जे ते प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर रब के 3 लक्षण ने। पहला लक्षण, आप मेरे सामने प्रकाशित हो रहे हो,
ते तुहाडा पहला लक्षण की है, तुसी मेरे तो दूर हो, वाक हो, तुहाडे मेरे विचकार मित है। जे प्रभु जिंदगी च प्रकाशित हुंदा है, फिर प्रभु इस आत्म तो वाक है, फिर जीव तो वखर है, जीव दे विच समाया नहीं होया। भावें वो एक इंच का ही फासला होवे, भावें एक सूत्र का फासला होवे, फासला तो फासला ही है, विथ ते विथ ही है, उत्थे ते दो हो ही गए। इसे करके प्रभु अकाल पुरख है, एक ओंकार है, कर्ता पुरख है, भरपूर है, राम है, क्योंकि वख नहीं। जे ते प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर साढ़े तो वख है, मेरे तो दूर है, फिर तो जिंदगी च कदी ना कदी आएगा, मैं बाहरों आके दर्शन देगा। जे प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर वह दूजा भी लक्षण है। दूजा लक्षण की है? आप मेरे सामने प्रकाशित हो रहे हो, तो किवें हो रहे हो? इतने प्रकाश है तो तुम नजर आ रहे हो, तुहाडे ते प्रकाश पिया और मैनूं नजर आए। जे प्रकाश ना होवे, इत्थे कुप हनेरा होवे, तुसीं मैनूं नजर नहीं आ सकते। जे प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर वह रोशनी का भी मोहताज है। रोशनी होएगी तुम देख सकांगे, जे रोशनी नहीं होएगी फिर देख नहीं सकांगे। फिर रोशनी का भी मोहताज है, फिर हनेरे च रब कदी नहीं नजर आएगा। सर्दियां दे दिन धुंध पई हुई चारों तरफ, ते सेठ अपने नौकर नूं आखदा है, जा बाहर जाके देख के आ, सूरज निकलिया कि नहीं निकलिया। नौकर बाहर गया, हवेली तो बाहर जाके देखिया और वापस आ गया, आके आखदा मालिक बाहर ते हनेरा बड़ा। सेठ आखदा हनेरा तू दीवा जगा के देख के आ, सूरज चढ़िया कि नहीं चढ़िया। जे हनेरा ते दीवा जगा के देख के आ। हुण सूरज नूं देखण वास्ते दीवे की लोड़ नहीं, सूरज ते खुद प्रकाश है, वो दीवे का मकास थोड़ी है। ते प्रभु ते वो सूरज है, जिहड़ा सूरजां नूं भी रोशनी देने वाला है, जिहड़ा हर जीव दे अंदर जोत बाली बैठा है। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिस दे चानण सब मैं चानण होए। भला वो रब भी दीवे का मुहताज होएगा, वह भी रोशनी का मुहताज होएगा? फिर वो रोशनी का मुहताज नहीं, ना वह दीवे का मुहताज, ना मोमबत्ती का मुहताज, ना वह बल्बां ट्यूबां दा, ना लाइटां दा। हालांकि बाहरों असी हजार लाइटां जगा के रोशनी करते हैं, धर्म स्थान पता लग जाए, पर सतगुरु ने बाणी च एक वचन कहा सी, बाहरले बल्ब ट्यूबां छड, सौ चंद्रमा आ जाण, हजार सूरज भी आ जाण, गुरु तो बिना हनेरा नहीं मुकना। जे सौ चंदा उगमे, सूरज चढ़े हजार, इत्थे चन होंदे आ गुरबिन होर अंधार। जे ज्ञान नहीं ना गुरु का, गुरु के ज्ञान तो बिना अज्ञानता के हनेरे च नहीं। जे प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर उहदा दूजा लक्षण वह प्रकाश का मोहताज है। रोशनी होएगी तो नजर आएगा, नहीं तो नहीं। जे प्रभु प्रकाशित हुंदा है, फिर उहदा तीजा लक्षण भी है। तीजा लक्षण की है? आप मेरे सामने प्रकाशित हो रहे हो, तुहानूं देखण वास्ते मैनूं अखां भी तो चाहीदी ने। अखां ना होण मैं तुहानूं देख नहीं सकदा। जे रब प्रकाशित हुंदा है, बाहरों दर्शन देण वास्ते आउंदा है, फिर मैं अखा भी चाहिए ने। रब अखा का मोहताज है, फिर अन्ने मनुख नु रब कदी नहीं मिल सकता, फिर अन्ना रब नहीं पा सकता। फिर रब अखा का भी मोहताज हो गया, पर रब अखा का मोहताज नहीं। जे प्रभु अनुभव है, फिर प्रकाशित नहीं होएगा, प्रगट होएगा। फिर प्रकाशित नहीं होएगा, फिर फलगुण अनंत उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, फिर प्रगट होएगा, प्रकाशित नहीं। प्रगट किने? प्रगट दा अर्थ की है? मन इत्थे कुप हनेरा होवे, मेरे सामने माइक पे है, कोई स्विच ऑन कर दे, लाइट जगा दे, ते मैनूं माइक नजर आना शुरू हो जाएगा। हुण माइक बाहरों थोड़े आया, पहले ही इत्थे पिया सी, सिर्फ प्रगट हो गया, आया नहीं कितों। प्रभु प्रगट हुंदा है, भाव अंदर ही है, पर जो गुरु ज्ञान की रोशनी करता है, सतगुरु शब्द गुजारो दीपा, गुरु ज्ञान की रोशनी विच वो प्रभु प्रगट हो जाता है, आंदा नहीं है, वो अनुभव बन जाता है। ते रब का अनुभव की है? हुण रब नूं ते किसी ने देखिया नहीं, उहदा अनुभव जान सकीए? घट्टो घट एक उदाहरण साढ़े कोल है, अपने आप का अनुभव। वो तो है ना कि मैं हाँ, जे मैं हाँ फिर मैं अपने तो वख नहीं हाँ, एक इंच भी वख नहीं, एक सूत्र भी अलग नहीं अपने आप तो।
मेरा अनुभव कहता है कि मैं हाँ और मैं वक्त नहीं हाँ, तो जो अनुभव है फिर दूजा लक्षण भी कम नहीं करेगा। अपने आप को जानने वास्ते मैं रोशनी नहीं करनी पैंदी, जे मैं हनेरे कमरे च खड़ा होवां तो यह देखने वास्ते मैं कमरे में हाँ कि नहीं, चलो लाइट जगा के चेक कर लवा, नहीं लाइट नहीं जगानी पैंदी, पता है मैं हाँ, हनेरे में भी अपनी होंद का एहसास है। तीजा लक्षण, कोई अन्ना मनुख हो भला उन्हों अपनी होंद जानने वास्ते अखा लैनिया पैणगी, उन्हों पता नहीं मैं हाँ। अन्ने मनुख को भी अपनी होंद का एहसास है कि मैं हाँ, वो ना अखा का मोहताज है ना रोशनी का मोहताज है ना अपने तो वक् है, अनुभव दे विच वक् नहीं हुंदा, अनुभव दे विच रोशनी की मोहताजी नहीं हुंदी, अनुभव दे विच अखा की मोहताजी नहीं हुंदी, सिर्फ अनुभव विच जानना हुंदा है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरा नाल है, गुरमति रंग मान, सिर्फ गुरु की मत वह है ही ना, जिस तरह नाल दिस जाएगा, जे इस आत्मा विच है तो मतलब दूसरी आत्मा विच भी है, जे आत्मा विच ही है फिर सारिया दे विच है, फिर आत्मा परात्मा एक पुत्र है, अंतर की दुविधा अंतर मरे, मेरी आत्मा दूसरे की आत्मा कदापी ते है, फिर वो तो बिना कौन है, ई पै बीठल ऊ पै बीठल, बीठल बिनु संसार नहीं, जे इधर भी प्रभु उधर भी प्रभु, फिर प्रभु तो बिना कुछ भी नहीं है, फिर ओही ते है। सिकंदर जो भारत आया तो ये गुरु ने एक गल कह के भेजा कि भारत जाएगा, सुने उतर के ऋषि मुनि जो बड़े विद्वान होंगे किसी को लै आई धर्म चर्चा करा, बड़े कीमती लोग ने, इन्हें भारत आके पूछा भी कोई कीमती मनुख ऋषि, किसी ने कहा हाँ एक फकीर है बहुत दूर रहा है फलाने पिंड, अच्छा सिकंदर बादशाह जिहड़ा सुखबीर नूं मिलन वास्ते तुरिया अपने पूरे शाही सेना दे नाल, लाओ लश्कर दे नाल, अपने सारे खजाने दे नाल तुरिया आ रहा, दूर फकीर बैठे और मैदान दे विच ही बैठा हुआ, उहदे हाथ विच कोई चीज़ चमक रही सी, बेशकीमती चीज़ बड़ी चमक है उहदी, सिकंदर ने दूरों देखिया कोई कीमती हीरा लग रहा है, बड़ा कीमती हीरा, सुनिया सी मनुख बड़ा कीमती है पर जिहड़ी दे हाथ विच चीज़ है लगता इहदे नालों ज़्यादा कीमती चीज़ है, इस फकीर नालों भी कीमती चीज़ इहदे हाथ विच है, बहुत कीमती चमकदार चीज़, इत्थों तक रोशनी आ रही है, मेरे खजानियां विच भी ऐसा हीरा नहीं है। जो नेड़े पहुंचा फकीर ने देखा, उन्हें फटाफट उस चमकदार चीज़ को अपने थैले च लुको लिया, सिकंदर ने तो देख ही लिया सी, कहने लगा फकीर मैं सुनिया तू बहुत कीमती है पर मैनूं लगता है जिहड़ी तू इस थैले विच चीज सांभी बैठा है वो तेरे नालों भी ज़्यादा कीमती है, दस की सी तेरे हाथ में। वो फकीर आखदा है कि सिकंदर सचमुच बड़ी कीमती चीज़ है, बेशकीमती चीज़ है, पर मैं दसांगा नहीं की है, मेरी मर्जी मैं क्यों दसा तैनूं। सिकंदर बड़ा हैरान होया, कहने लगा तैनूं तो दसना ही पैणा है, तैनूं पता है मैं बादशाह हाँ, तैनूं मनवाई लवांगा, पुछ ही लगावा। फकीर आखदा तू जो मर्जी कर लै, वो चीज़ मेरी है, मैं नहीं दसना की है, पर है वो कीमती कोई शक नहीं, और इन्नी कीमती है कि तेरे सारे खजाने भी तोले जाण, ते मेरी वो कीमती छोटी जिन्नी चीज़ ही भारी होगी, तेरे खजाने नाल भी ज़्यादा भारी होगी। कहना कहे गल परख लैंदे आ, हुणे तकड़ी च तोल के देख लैंदे आ। फकीर आखदा तकड़ी नहीं, इस मैदान में वड्डा सारा तकड़ गढ़ लै, बाद च पछताएगा, तकड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, वड्डा सारा तकड़ मैदान में गढ़ लिया गया, वड्डे वड्डे पलड़े गए। सिकंदर आखदा चल तेरी इस चीज़ को तोल के देखिए, फकीर ने वो अपनी छोटी जी चमकदार चीज़ अपने थैले में कढ़ी, तकड़ी के एक पलड़े में रख दी, वह पलड़ा जमीन नाल जाके लग गया। और फकीर आखदा उन्होंने अपने खजाने पा, कहने का खजाने छोटी जी तो चीज़ है, उन्हें कुछ सोने के जेवर पाए पर दूजा पलड़ा उच्चा ही रहा, उन्हें होर सोने चांदी के जेवर पाए, होर गहने पाए, पलड़ा फिर उच्चा रहा, बड़ा हैरान होया। उन्हें अपने बक्सियां दे विचों हीरे जवाहरात कढ़ के लद दिते, तां ही वह पलड़ा उच्चा ही रहा। उन्हें जिन्ने गड्डियां ते खजाने लद्दे सन सारे तकड़ दे विच तोल दिते, पर पलड़ा जरा मासा भी नहीं हिलिया।
बहुत हैरान होया सिकंदर, कहने लगा एक छोटी जिनी तेरी चीज चमकदार इन्नी वजनदार इन्नी भारी कि मेरे सारे खजाने भी तुल गए पर तकड़ का पंगड़ा हिलिया भी नहीं। वो फकीर आखदा है सिकंदर तेन एक होर कौतक दिखावा, कहने मैं दिखा। उस फकीर ने थोड़ी जिनी मिट्टी चुकी, मिट्टी चुक के उस चमकदार चीज उपर पाई, वो पंगड़ा एकदम ऊंचा उठ गया। सिकंदर बहुत हैरान होया, कहने लगा की बुझारता ते बुझारता पा रहे हैं। वो चीज जिहड़ी बड़ी भारी सी उपर मिट्टी पाई सगो होर वजन वधना चाहिए सी, उल्टा हल्की हो गई, पलड़ा उपर चला गया, है कि दस। फकीर आखदे मैं नहीं दसना। आखिर सिकंदर ने हार मन ली, कहने लगा फकीर तेरी मर्जी, दसना हो दस दे, नहीं दसना ना दसी, हूँ नहीं पुछागा। फकीर आखदे हूँ बिल्कुल ठीक, हूँ दसागा, क्योंकि तू हार मन ली ना, हूँ दसागा। यह चमकदार चीज कोई हीरा नहीं, कोई लाल नहीं, यह मनुख की अख है। जिन्ना चिर तंदुरुस्त है उन्ना चिर दुनिया के खजाने भी दा मुल नहीं पा सकते, पर जिदन अख विच मिट्टी पै गई, अख अन्नी हो गई, खत्म हो गई, उस दिन इस अन्नी अख का मुल कौड़ी भी नहीं है, उस दिन का कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, केवल मनुखी अख है। उस फकीर ने एक गल होर कही, कहने लगा सिकंदर याद रख ज्ञान की अख है, जे मनुख को ज्ञान की अख है दुनिया के खजाने मिल के भी मनुख के ज्ञान की कीमत नहीं लगा सकते। मनुख सारी धरती के खजाने भी दान कर दे, किसी तो ज्ञान खोया नहीं जा सकता, किसी के ज्ञान की कीमत नहीं लाई जा सकती। ज्ञान भी वह कीमती अख है, जिदन ज्ञान की अख मिल जाती है सब विचों रब दिसना शुरू हो जाता है। बुलिया शौ असा थी वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं, ताही जान की दुखड़े सहदी है, मुँह आई बात न रहती है। अख होवे ज्ञान वाली ते उनू रब मिल जाता है, भला रब की कीमत दुनिया के खजाने की पा सकते हैं, पर इस ज्ञान की अख विच जे किते हंकार की मिट्टी पै जाए, हंकार का कण पै जाए। याद रखियो हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, एक छोटी जी अख विशाल हिमालय पर्वत नूं देख सकती है, पर जे उस अख विच जरा कुछ ना रेत का कण पै जाए, रेत का कण पूरे हिमालय पर्वत नूं ढक लैंदा है, छोटा जा रेत का कण। ज्ञान की अख पूरे प्रभु नूं देख सकती है, पर हंकार का कण पै जाए पूरा रब ही लुक जाता है। कई बार मनुख नूं अपने ज्ञान का हंकार हो जाता है, पर उन्हों अपने हंकार का ज्ञान नहीं होता, इस करके फिर वह ठुकरा खाता है। मनुख को अपने ज्ञान का हंकार तो हो जाता है, पर उन्हों अपने हंकार का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की अख विच हंकार का कण पै जाता है, रब भी लुक जाता है। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुरु काढ तली दिखलाया, भावहीन मनमुख नहीं लिया, तिण ओले लाख छपाया, तिणके दे ओले लखां कीमती खजाने छुप जाते हैं। जो मनुख हंकार करता है ना, मैं पता ही है वह गुरु ज्ञान तो बिरवा हो जाता है, नाम के हीरिया तो बिरवा हो जाता है, रब तो दूर हो जाता है जो हंकार करता है मैं। पर जिदन हंकार का कण निकल जाता है, ज्ञान की अख मिल जाती है, फिर प्रभु ही नजर आता है। ई बै बीठल ऊ बै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै। हर थान विच हर थान के अंदर भगत नामदेव जी बेनती करते हैं, हे प्रभु तू ही है, थान थनंतर नामा प्रणवै, पू रहे हो तू सर्व नहीं, सारी कायनात विच तू ही पूर रहा है। सतगुरु कृपा कर सानू वो अख मिल जाए ज्ञान की, जिदे सदका हर हिरदे विच विराजमान प्रभु के दीदार हो सकन। सतगुरु कृपा कर समूह नाम दिला गुरसिखी वाला जीवन बख्शिश कर। कल का जरा शब्द है वो ये है, हर पल प्रभु की याद में जुड़ के किमें पापा को दूर करना है, इस संबंधी विचार साझा करांगे। हुई भुला खिमा मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।